प्रिय साथियों, आप सबका सामने देश का सुरक्षा कर्मचारी का तरफ से एक अपील करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है, हमारा प्रधानमंत्री साहब ने पार्लियामेंट चुनाव का समय एक स्लोगन रखा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अभी इस सरकार अभी 50 दिन का ऊपर हो चुका है दोबारा आने के बाद, अभी इस देश क्या देख रहा है? सबका साथ भी नहीं है, सबका विकास भी नहीं हो रहा है। अभी ये स्लोगन सबका साथ सबका विकास उल्टा हो गया, अभी कॉरपोरेट का साथ और कॉरपोरेट का विकास में इस सरकार का नीति चल रहा है। आप सबको मालूम है, हमारा देश में हमारा देश का सुरक्षा के लिए केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स काम नहीं कर रहा है। आर्मी नेवी एयरफोर्स का साथ हम लोग भी है, हम लोग मतलब इस देश का डिफेंस कर्मचारी 4 लाख डिफेंस सिविलियन कर्मचारी, उसमें कम से कम 82,041 इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज का कर्मचारी है। ये ऑर्डनेंस फैक्ट्री कर्मचारी इंडियन आर्मी के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, उनके लिए टैंक, उनके लिए आर्म्स, एमिनिशन, वेपन्स, बैटलफील्ड ड्रेस, यूनिफॉर्म, पैराचूट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइफल्स, ये सब ये ऑर्डनेंस फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर रहा है। ऑर्डनेंस फैक्ट्री आज का इंडस्ट्री नहीं है, ये 218 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। देश का आज़ादी के बाद पाकिस्तान का साथ, चाइना का साथ, इंक्लूडिंग बांग्लादेश का आज़ादी का युद्ध और उसका बाद कारगिल क्राइसिस और रीसेंट सर्जिकल स्ट्राइक्स, इस सभी में ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज का इक्विपमेंट्स यूज करके ही आर्मी हमारा देश को सुरक्षा कर रहा है। लेकिन आजकल सरकार का लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का वजह से सरकार ने डिफेंस का दरवाज़ा भी इस देश का और विदेश देश का कंपनीज के लिए दरवाज़ा खुला के रखा है। उन लोगों का दबाव का वजह से सरकार अभी ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को खत्म करने के लिए पॉलिसी बना रहा है। बिना कोई रीजन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज का ऊपर आरोपण कर रहा है। ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज कोई नया माल तैयार नहीं कर रहा है, ये एक आरोपण है। लेकिन नया माल तैयार करने का जिम्मेदारी सरकार कभी भी ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को नहीं दिया। अभी तक सरकार का एक पोजीशन था, एक स्टैंड था, ऑर्डनेंस फैक्ट्री कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए नहीं है, ऑर्डनेंस फैक्ट्री एक डिजाइनर नहीं है, वो काम डीआरडीओ करेगा, वो उनका काम है, वो नया प्रोडक्ट डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा, आर्मी उसको अप्रूव करने के बाद उसका मैस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डनेंस फैक्ट्री करेगा, यही तो सरकार का नीति था। लेकिन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को ब्लेम कर रहा है, आप कोई नया प्रोडक्ट तैयार नहीं किया करके। लेकिन हम लोग ने अभी तैयार किया, हम लोग ने बहुत नया प्रोडक्ट्स अभी डेवलप किया। हमारा ही वर्कर, हमारा ही वर्कफोर्स ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज में बफर्स का भी एडवांस्ड वर्शन गन, धनुष गन अभी हम लोग ने डेवलप किया, उसका एमिनेशन डेवलप किया, असाल्ट राइफल हम लोग ने डेवलप किया, बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप कर रहा है, बुलेट प्रूफ वेस्ट डेवलप कर रहा है, ऐसा बहुत आइटम्स है। समय कम होने की वजह से हम विस्तार में नहीं जा रहा हूं, ये सब ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज डेवलप कर रहा है। लेकिन सरकार का कोई मदद नहीं है। सरकार का और एक आरोपण है,
41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज होने के बाद भी हमारा देश का 70% का ऊपर माल हम विदेश से इंपोर्ट कर रहा है। इसके लिए क्या ऑर्डनेंस फैक्ट्री जिम्मेदारी है? ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज में कितना भी माल तैयार कर रहा है, ऐसा कोई माल विदेश से हमारा सरकार इंपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या माल हम लोग तैयार नहीं कर रहा है, किसके लिए? बाकी पब्लिक सेक्टर से HAL है, गोवा शिपयार्ड है, मसगन डॉकयार्ड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, BDL है, उनका रिलेटेड इक्विपमेंट्स, वारशिप्स, सबमराइन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ये विदेश से आ रहा है। लेकिन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज का पास कितना कैपेसिटी है, उधर कितना माल तैयार हो रहा है, वो प्रोडक्ट हमारा देश इंपोर्ट नहीं कर रहा है। ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए, देश का जनता को ये मालूम होना चाहिए। इसका अलावा ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज कितना प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, उसका 90% इंडिजिनाइजेशन है। केवल 10% का ऊपर का कॉम्पोनेंट्स और स्पेयर्स बाहर से आता है, बाकी सब हमारा देश में हो रहा है, हमारा ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज में हो रहा है। इतना होने के बाद भी ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को समाप्त करने के लिए सबसे पहले सरकार ने निर्णय लिया, 275 का ऊपर ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज का प्रोडक्ट्स को नॉन कोर डिक्लेयर कर दिया, उसको प्राइवेट को दे रहा है। अभी दूसरा अटैक आ चुका है ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को, कॉर्पोरेटाइज करो, ऑर्डनेंस फैक्ट्री को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करो। इसका पीछे कारण क्या है? इसका पीछे एक ही कारण है, हमारा देश का पब्लिक सेक्टर का क्या हालत है देश को सबको मालूम है। सरकार जानबूझ के पब्लिक सेक्टर को खत्म करता है, उसको प्राइवेटाइज करता है, उसका शेयर डिसइन्वेस्टमेंट करता है, अल्टीमेटली उसको सिक इंडस्ट्री डिक्लेयर करके उसको बंद करता है। हम लोग को पास खबर है, अभी ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को BSNL के तरीके से कॉरपोरेशन बनाओ, यही सरकार का दिमाग में है। BSNL एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, BSNL का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, इस देश का जनता पूरा उसका कस्टमर है। उसका बाद भी आज BSNL का सिचुएशन बहुत खराब है, उधर का कर्मचारी अभी आंदोलन में है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उधर का कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को 6 महीने से तनख्वाह नहीं है, एम्प्लॉयज का सैलरी में कितना भी रिकवरी हुआ प्रोविडेंट फंड का, LIC का, इवन यूनियन का चंदा तक BSNL पेमेंट नहीं कर रहा है। अभी बैंक लोन ले रहा है एम्प्लॉयज का सैलरी पेमेंट करने के लिए, यही परिस्थिति है BSNL का। ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के लिए इस देश का जनता कस्टमर नहीं है, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज का माल मार्केट में सेल्स नहीं कर सकता, कारण ये माल पूरा इंडियन आर्मी के लिए बना रहा है, देश का सुरक्षा के लिए बना रहा है। इसीलिए ब्रिटिशर का समय से लेके आज तक इसको सरकार में रखा है, इसको वार रिजर्व भी बोलता है, कारण कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरत पड़ेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करना पड़ेगा। उतना आइडल कैपेसिटी कोई प्राइवेट कंपनी मेंटेन कर सकता है, कोई पब्लिक सेक्टर मेंटेन कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को सरकार में रखा है, लेकिन दुर्भाग्य है इस सरकार का दिमाग में आ चुका है ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को भी कॉर्पोरेटाइज करो। होगा, सरकार का पास तो पूरा अधिकार है, 303 MP है इनको पार्लियामेंट में, किसी को सुनता नहीं है, किसी का ओपिनियन का कोई जरूरत नहीं है, उनका पास अधिकार है, उन लोगों ने डिसाइड किया। लेकिन अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को आर्मी वर्क नहीं देगा, वर्कलोड नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन का नाम पर इंडियन आर्मी वर्कलोड पूरा प्राइवेट कंपनीज को देगा,
पर क्या होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बाइबल नहीं होगा, धीरे धीरे सिख होगा, सिख होने के बाद क्या होगा, सरकार का नीति है, कोई भी पब्लिक सेक्टर का कुछ गड़बड़ हो गया उसको बंद करो, उसको प्राइवेटाइज करो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 60,000 एकड़ का ऊपर उनका पास खेती है, जमीन है, ये सब कौन दिया, ये जमीन पूरा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, किसान ने दिया, देश का कारखानी बनाने के लिए, सुरक्षा कारखानी बनाने के लिए, अंबानी अदानी को देने के लिए किसान और स्टेट गवर्नमेंट खेती जमीन नहीं दिया, लेकिन ये सब एक दबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेटेस हो गया तो ये सब संभव विकास हो जाएगा। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कर्मचारी, उनका ट्रेड यूनियंस, उनका राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और हमारा एसोसिएशंस का साथी लोग, हम लोग सब मिलकर निर्णय लिया, सरकार हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक 7-8 चिट्ठी हम लोग ने रक्षा मंत्री जी को लिखा है, किसी को भी कोई जवाब नहीं है। इस परिस्थिति में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बचाने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का ऊपर, इसलिए कर्मचारी ने निर्णय लिया सरकार को इस नीति के खिलाफ में संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक महीने का हड़ताल में हम लोग जा रहा है। सरकार को नोटिस 1 तारीख दे चुका है, अभी आज 4 तारीख है, सरकार का तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए हम इस देश का जनता को अपील करना चाहता हूँ, ये केवल एक ट्रेड यूनियन का आंदोलन नहीं है, ये केवल हम लोग का सर्विस कंडीशन का सुरक्षा के लिए एक आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देश का सुरक्षा के लिए है। तब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, हमारा आर्मी भी सुरक्षित है। एक दबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बर्बाद हो जाएगा, पर प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कॉरपोरेट्स, किसको मुनाफा का अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, वो सब इंडियन आर्मी को डिक्टेट करेंगे। इसलिए ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए पूरा हिंदुस्तान में, पूरा देश में। हम लोग इसमें एक क्लियर स्टैंड में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉरपोरेटाइज नहीं करना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आज कैसे एक सरकार इंडस्ट्री का नाते बहुत अच्छा तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसी तरीके से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कंटिन्यू करना है। इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार का दिमाग में है तो हम लोग को बुलाओ, हमसे बातचीत करो, हम लोग वर्कफोर्स है, हम लोग का इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी है, उसके लिए हम लोग तैयार है। इसलिए इस देश का जनता को हम अपील करना चाहता हूँ, हम लोग का इस आंदोलन में आप सबका समर्थन होना चाहिए। धन्यवाद।